आज आपने देखा होगा कि एक ओर तो पूरा देश का संपूर्ण विपक्ष संसद लोकसभा के अंदर जब स्पीकर पद पर आदरणीय माननीय श्री बिरला जी का चयन हुआ तो उसके बाद उनको बधाई दे रहा था, शुभकामनाएं दे रहा था। वहीं दूसरी ओर इस चुनाव के तुरंत बाद सरकार ने स्पीकर के पीठ के माध्यम से एक ऐसी बात कहलवाई जिसमें राजनीति देश की हाउस के अंदर का बिगुल माननीय अध्यक्ष पद के मुख से सरकार ने बदलवाने का काम किया और एमरजेंसी की बात आई। अगर आज श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी तो श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी देश के लाखों उन शहीदों को, 62 का युद्ध, 65 का युद्ध, 75 का युद्ध, जिन्होंने अपनी छाती में देश के लिए अपनी सीमा पे गोलियां ली, आज उनको श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी। अगर श्रद्धांजलि देनी चाहिए थी, अगर सिद्धांत याद किए जाने चाहिए थे तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को श्रद्धांजलि दी जा सकती थी, आज शहीद आजम भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि दी जा सकती थी और लाला लाजपत राय जी को श्रद्धांजलि दी जा सकती थी और असंख्य रानी लक्ष्मीबाई जी को, झांसी की रानी को आज हम श्रद्धांजलि दे सकते थे। 1857 से लेकर 1947 तक देश की आजादी की लड़ाई में जिन असंख्य लोगों ने अपनी जान कुर्बान करी, सर्वोत्तम बलिदान किया, उनको श्रद्धांजलि दी जा सकती थी, देशभक्ति को याद किया जा सकता था। लेकिन जिस तरीके से ये किया गया, मैं समझता हूं कि ये किसी को भी, इस बात से सरकार की नीयत भी दिख गई कि ये सरकार इस जनादेश से सबक लेने वाली नहीं है। जिस जनादेश में सरकार की तानाशाही को बड़ा झटका लोगों ने दिया है, इस जनादेश से सरकार सबक लेने वाली नहीं है, ये उसी तानाशाही प्रवृत्ति से आगे बढ़ेगी।